अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ है ये थी? डॉक्टर हुकुम, अच्छा व्यापारी को मिल गई। पनासा, वो कहाँ गए? अभी वो किसी काम से कहीं गए। लेकिन बेटा आप यहाँ कैसे? डॉक्टर हुकुम अब वो सब छोड़िए, हमारे को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मम्मी सा, इसकी एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक पल यहाँ पर झेल नहीं सकते, इसे अभी लेके जा रहे हैं। त्रिशाला, कई बार कह चुके आपको और आखिरी बार समझा रहे, हमारी बहू से इस तरह का बर्ताव हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा आप कहाँ चली गई थी? जब हमने आपको मंदिर रवाना किया उसके बाद हमने कितनी देर इंतजार किया आपका, लेकिन आप तो लौट कर ही नहीं आई। डॉक्टर रुकम, मैं वहाँ का आशीष लेने गई थी। जब वहाँ से निकली तो हम भटक गए। आपको और बन्ना सर को पूरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई रास्ता ही ना मिला। ओहो, इस सब की वजह से तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बेटा। आप जानती नहीं बेटा, इस त्रिशाला ने अबीर को ये यकीन दिला दिया कि आप अपनी पोटली में पैसे और जेवर लेकर भाग गई हैं। चोर हैं आप, और अब आप वापस नहीं आएंगे। अब अबीर त्रिशाला से शादी कर रहे हैं। डॉक्टर रुकम, मैं ऐसी ना हूं, मैंने ऐसा कुछ ना किया। बेटा हम आपकी बातों पे पूरी तरह से यकीन करते हैं ना। अगर आपके मन में मैल होता तो आप इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आते क्या? बस अब हमने फैसला कर लिया है, अबीर की शादी त्रिशाला से नहीं होगी। मम्मी साहब ऐसा कैसे कह सकती हैं? बहुत हो गया त्रिशाला, जो कुछ भी आपने किया है ना, आपकी इस गुस्ताखी की सिर्फ और सिर्फ एक सजा है, और वो ये है कि अब आप ही हमारी विधि को अबीर के पास ले जाएंगे। हमने कह दिया ना, ले जाइए। डॉक्टर रुको, आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? हम बेटा, अगर हम चले गए तो फिर घर वालों को कौन ये खुशखबरी देगा कि तोमर परिवार की असली बहू लौट आई है। हमें सबको बताना है ना, कितनी खुशी की बात है ये। आप जाइए और आप इन्हें अबीर के पास ले जाइए। चलो हमारे साथ। वाला टली क्या लगा तुम्हें कि तुम्हें अबीर के पास लेके आएंगे हम? बिल्कुल नहीं। हमारे अबीर से तुमने धोखे से शादी की है, अब हम तुम्हें धोखा देंगे। बनीसा समझ नहीं रही, हमारे को नहीं आना था अरे और बनासा के बीच में, लेकिन अगर ये ब्याह हो गया ना तो गांव वाले बनासा और आपको मार देंगे। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुम हमारे और अबीर के बीच में आना चाहती हो, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मम्मी सा ने जो गलती की थी वो हम नहीं दोहराएंगे। वो तो तुम्हें मरावा सोच के रेत के टीलों में छोड़ आई थी, लेकिन हम मारेंगे तुम्हें। यही मरोगी तुम। अब तुम्हारी बलि भी चढ़ेगी और हमारी अबीर से शादी भी होगी। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ कि वो मोजरी वाली लड़की अबीर के सामने नहीं आई। आप समझ नहीं सकती हैं समदन सा, हमें कितना टेंशन हो रहा था ये सोच सोच के कि अगर वो लड़की अबीर के सामने आ जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता।
आप तो अबीर को जानते हैं, सच्चाई की मूरत है, वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं। त्रिशाला, काम हो गया। हमें अच्छी तरह से पता था कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो है हमारी बक। हुकुम ने होने वाली बहू की थम पूजा आज रात 10 बजे रखी है। 10 बजे? पर ये पूजा तो लड़की के मायके में होती है ना? समधन सा, हमें पता है कि ये लड़की के मायके की पूजा है, लेकिन जरा सोचिए अगर आप लोग अभी सिटी जाएंगे तो लौट के कब आएंगे? और शादी भी तो कल सुबह है ना, इसीलिए बाबा हुकुम ने सोचा होगा कि ये यहीं पे करवा लेते हैं। चलिए अब आप और हम जाके देखते हैं क्या तैयारियां करनी है। बस अब हमें कोई चिंता नहीं है, अब बस कल जल्द से जल्द शादी हो जाए और अबीर हमारे हो जाए। I'm so excited, finally. ये गांव वाले भी ना फोन क्यों नहीं उठा रहे? निशांत, चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? आपको हमारी चिंता क्यों हो रही? चिंता होनी जायज है, हम पिता हैं आपके। आप पिता नहीं है हमारे, सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ के दूसरे पति हैं। बस हमारे पिता ना केवल स्वर्गीय राजेश तोमर है और कोई नहीं। अरे सब समझते हैं हम, ये सब जो किया धरा है ना वो करुणा चाची का। आपकी शादी करा दी हमारी माँ से ताकि हमारे सर से जो तोमर का जो नाम है ना वो उड़ जाए, और तोमर खानदान का जो सब कुछ है वो उनके बेटे अबीर को मिल जाए। सब समझते हैं हम, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे सौतेले पिता है और कुछ नहीं। निशान बना। ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप? निशान, आप जन्म से ही तोमर हैं और हमेशा तोमर रहेंगे, और हमारे यहां बड़ों से इस तरीके से बात बिल्कुल नहीं की जाती। विश्वास काका साहब को सॉरी बोलिए। हम सॉरी। काका साहब, हम बात करते हैं। ये रखिए। अबीर बना, ये तो आपकी मनपसंद कार है जो आपको दादो साहब ने पिछले बर्थडे पे दिया था। हम जानते हैं निशान बना कि आपके मन में हमेशा ये चलता है कि आपके पिता के जाने के बाद आपका कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और एक बात और समझिए कि हमारे लिए हमारे परिवार के अलावा उससे बढ़कर कोई ना है और ना कोई रहेगा। और हम जानते हैं कि आपको ये कार पसंद है, तो ये कार हमारे पास रहे या हमारे छोटे भाई के पास रहे, एक ही बात है। लेकिन निशान बना, एक रिक्वेस्ट, आप बड़े हो गए, अब समझदार भी हो जाए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।